हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है पांगी घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों में। फ्रेंड्स, तो आज हम सभी जा रहे हैं हुडान, क्योंकि वहां पर है चाचू की शादी। तो आप देख सकते हो मेरे साथ दादी है दोनों और मम्मी है। तो हम शायद गाड़ी पे जाएंगे क्योंकि बस तो निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम लेट हो गए हैं। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। फ्रेंड्स, तो हम बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। तो ये है किलाड़ का बस स्टैंड और हम जा रहे हैं चाचू की गाड़ी में। फ्रेंड्स, हम उड़ान गांव में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो हम शादी वाले घर में पहुंच चुके हैं। तो वैसे अभी यहाँ पर थोड़े ही लोग आए हुए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, कम ही हुआ है, लगभग 8 बजे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और उनके साथ जो भी है वो सभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्योंकि जब भी शादी आती है तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा होती है, उसके बाद सभी को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर हलवा पूरी सबको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो पांगी में मैक्सिमम जितनी भी शादी होती है तो सबसे पहले सभी को प्रसाद दिया जाता है, हलवा और पूरी दी जाती है खाने को। जैसे ही हलवा पूरी खाई जाती है उसके बाद यहाँ पर सभी लोग दूल्हा दुल्हन को शगुन देने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर पूजा की जाती है भगवान की, उसके बाद सभी लोग दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट्स देते हैं, शगुन देते हैं, जो भी उन्होंने देना होता है। जैसे ही सभी लोग शगुन दे देते हैं तो उसके बाद दूल्हे की जो बहनी होती है वो दुल्हन के कलीरे जो होते हैं उसे खोलती है। तो उसके बाद दूसरी रस्म होती है। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर दूल्हे की बहनों ने कलीरे खुलवा दिए हुए हैं दुल्हन के। तो उसके बाद बारी आती है देवर के भाभी की गोद में बैठने की, क्योंकि ये कुछ ऐसी रस्में होती है जो शादी को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो गोद में बैठने से पहले जो देवर होता है वो सबसे पहले भगवान की पूजा करता है, तो उसके बाद ही अपनी भाभी की गोद में बैठता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होता है, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रस्में होती है जो शादी को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी सभी लोग काफ़ी खुश है क्योंकि इस टाइम पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। चारे बजे ले फिर नंडी खाद पुराने तो बस
Thank you.
哎。